दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान के डायरेक्टर एटली कुमार का खतरनाक रिएक्शन सामने आ चुका है। जवान को लेकर एटली ने नया राज खोला है, जिसे सुनकर शाहरुख खान के फैंस बेकाबू हो रहे हैं। दोस्तों, जवान पर बात करते हुए एटली ने बताया कि जवान पूरी तरह से पैन इंडिया फिल्म होगी, लेकिन हमने इसके एक्शन हॉलीवुड के जैसे डिजाइन किए हैं, यानी कि दोस्तों हाई विजुअल्स के साथ जवान में हाई एक्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जवान कोई सिंगल पार्ट फिल्म होगी और ये बात आपको हमने काफी बार बताया है कि जवान के दो या तीन पार्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जवान के पोस्टपोन होने के बाद इसका बजट भी काफी ज्यादा हो गया है और फिलहाल इसके टीजर को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल जो 2023 के जितने भी कैमियो रोल शूटिंग हुई हैं, शायद उन पर ज्यादा अच्छे से पैच वर्क नहीं हुआ। एक वजह ये भी हो सकती है कि एक्स्ट्रा 40-50 करोड़ से पूरी फिल्म के विजुअल्स को और अच्छा बनाया जा सकता है। दोस्तों, फिलहाल जवान की रिलीज डेट 7 सितंबर काफी सही रखी गई है, क्योंकि इसकी जगह अगर अगस्त में जवान रिलीज होती तो जवान को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता था और उस टाइम पर काफी सारी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। तो जवान का जितना क्रेज हिंदी में है, उससे ज्यादा क्रेज साउथ में है। इसकी वजह आप सब जानते हैं कि जवान को साउथ के डायरेक्टर बना रहे हैं, जिन्होंने अभी तक थेरी बिगिल और मार्शल जैसे 3 ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है। साउथ की ऑडियंस ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी इस फिल्म को लेकर एक्साइटिंग हैं कि एटली ने इस बार क्या बनाया है। दोस्तों, जवान के टीजर और ट्रेलर आपको मिले, लेकिन किंग खान का इस फिल्म में एक्शन उनकी बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग लेवल का होने वाला है। जहां तक फिल्म की रिलीज डेट का सवाल है, तो अभी तक कई बार पोस्टपोन किए जाने के बाद फाइनली अब यह फिल्म 7 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दोस्तों, इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म डंकी भी काफी बज बना रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई फिलहाल जवान का ही है और इसके आसपास कोई दूसरी फिल्म नहीं है। इसके 20 दिन बाद एक बड़ी फिल्म सालार रिलीज होने वाली है, तब देखना होगा जवान को वो फिल्म टक्कर दे पाएगा या नहीं।